हेलो एवरीवन, ये है 24 वोल्ट डीसी मोटर जो कि आरओ वाटर प्यूरीफायर में ऐसे पंप आपने देखा होगा इस मोटर को। तो इसमें जो है कि कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये चल नहीं रहा है। इसे मैंने जो है कबाड़ से उठा के लाया है। तो आज हम देखेंगे इसे हम रिपेयर कैसे करेंगे। पहले हम इस मोटर के स्टैंड को स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोल लेंगे फटाफट। तो गाइस इसे हम फटाफट खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं खोल लिए हैं। इसका चाल बहुत भारी भारी सा लग रहा है फ्रेंड, और ये कबाड़ से चूँकि उठा के लाए हैं तो ये चल भी नहीं रहा। आप इसमें आवाज़ सुन सकते हैं, किरकिर की आवाज़ आ रही है इससे। तो फटाफट इसके मोटर को जो है हम डिसम्बल करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे दो स्क्रू देख सकते हैं आप, इसे हम जो है स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसे खोल के निकाल लेंगे बाहर। स्क्रू को यहाँ पे हमने खोल दिया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। लेकिन इसका शाफ्ट नहीं निकलेगा, इसके आर्मेचर नहीं निकलेंगे, बिकॉज इसके ऊपर एक पुली लगा हुआ है जो कि रोक देता है। इसे निकालने के लिए हम कुछ जुगाड़ करेंगे। यहाँ पे हम इस टाइप का एक नेल यूज़ करेंगे फ्रेंड, और बीच सेंटर पे कुछ इस तरह से रख के और हैमरिंग करेंगे। हल्का हल्का, ज़्यादा हम प्रेशर से नहीं करेंगे, हल्का हल्का मारेंगे। इसका शाफ्ट जो है वो, इसका पुली जो है वो शाफ्ट से बाहर निकल जाएगा और हमारा मोटर डिसम्बल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ईजिली हमारा जो है शाफ्ट से ये पुली वो बाहर निकल चुका है और हमारा मोटर भी डिसम्बल हो चुका है। अब देख सकते हैं मैंने ये खोल लिया है। मोटर डिसेंबल होने के बाद आप इसके आर्मेचर को देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ये थोड़ा सा जाम लग रहा है हमें। इसे जो हम कुछ इस तरह से अंदर की ओर दबा के बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो मोटर है वो इजीली अब डिसेंबल हो चुका है। इसे कुछ ब्लैक ब्लैक पाउडर टाइप का भी निकल रहा है, जो कि ये पता लगता है कि इसमें कार्बन बहुत सारा जमा हुआ था। ये मोटर में जल्दी ख़राबी कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, अक्सर कार्बन वगैरह जम जाने के कारण ही मोटर के काम करना बंद कर देता है। तो हम यही इसी चीज़ का पता लगाएंगे कहाँ पे कार्बन जमा हुआ है। गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें बहुत अच्छा लगे और मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ले के आऊँ। देख सकते हैं फ्रेंड ये चाल जो है इसका जो है फ्री मूव कर रहा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है अभी फिलहाल। आप देखेंगे इसके जो कम्यूटेटर है, जहाँ से ये कार्बन ब्रश जो कम्यूटेटर से टच हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक कार्बन जम चुका है, जो कि वोल्टेज जो हमारे कॉइल तक, आर्मेचर तक वो नहीं पहुँच रहा है डीसी करंट। इस देख रहे हैं आप कम्यूटेटर को, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जमा हुआ है कार्बन फ्रेंड। इसे शार्प ऑब्जेक्ट से रब करेंगे। इसी तरह हम छोटा सा एक चाकू ले लिए हैं फ्रेंड, यहाँ पे इसे हम इसके कम्यूटेटर को रब कर रहे हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको प्रेशर के साथ नहीं रब करना है, हल्का हल्का से करना है ताकि इसका कार्बन जो है वो निकल जाए। अगर आप प्रेशर के साथ करेंगे तो इसका जो कम्यूटेटर का टच पॉइंट है वो टूट जाएगा, जिससे मोटर आपका ख़राब भी हो सकता है। वेल आप आराम आराम से धीरे धीरे हर एक कम्यूटेटर को जो टच पॉइंट है उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे घिस के, बस बिल्कुल हल्के हाथ से करना है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। इसके कम्यूटेटर को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है फ्रेंड। अब बाकी आती है इसकी बॉडी को। हम एक कपड़ा लेंगे फ्रेंड, इस कपड़े के हेल्प से इसे जो है, इसके जो मैग्नेट वगैरह है उसे हम आराम से निकाल लेंगे। जितने भी गंदगी है इसका साफ़ कर लेंगे फ्रेंड। अब यहाँ पे हो चुका है, तो अब इस तरह से अब हम मोटर को फिर से असेंबल करते हैं फ्रेंड। अब देख सकते हैं होल जो है वो फ्रेंड, जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में जो गैप है आप देख सकते हैं फ्रेंड, उसी के बीच में हमारा जो ये दो होल है वो जाना चाहिए, ताकि स्क्रू इसी के बीच से हमारा टाइट होगा। तो हम कुछ इस तरह से जो है कि मोटर को फिट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब आगे का भी कुछ इस तरह से हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है वो फिट हो चुका है फ्रेंड, और हमारा जो होल है वो अच्छे से सेंटर पॉइंट पे मिल गया है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्क्रू लगाने की फ्रेंड, अब देख सकते हैं ये हमारा जो स्क्रू हुआ है वो कभी भी सेंटर पे नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ मैग्नेट। हमारा जो मैग्नेट है वो हमारे जो स्क्रू है उसको सीधा जो है सेंटर में प्रवेश नहीं करने देता है, वो अपने और अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसका जो है कि वेल सॉल्यूशन है, आप इसे क्विकली कर सकते हैं। अगर आप लोग को भी प्रॉब्लम आता है इस टाइप से करने में,
कि सेंटर टू सेंटर जो है इसके स्क्रू को टाइट करने में, तो आप वीडियो में बने रहे, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। उसके लिए फ्रेंड एक पतला सा हम बड़ा ऐसा साइकिल का स्पोक यूज कर सकते हैं या कोई भी एक स्टील का या कोई भी रड यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बिग साइज़ है जिसे हम आसानी से जो है इसके अंदर कर लेंगे। ये जो है हमारा आसानी से अंदर चल गया, देख सकते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो स्क्रू है उस पर हम थोड़ा सा मतलब एक बूंद जो है वहाँ पे सुपर ग्लू डाल देंगे। सुपर ग्लू डालेंगे फ्रेंड, यहाँ पे सुपर ग्लू डालने के बाद जो है एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से हम यहाँ पे चिपका देंगे। देख सकते हैं ये हमारा जो है कुछ ही सेकेंड में जो है ये एक दूसरे से चिपक जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से चिपक चुका है, हमारा स्पोक और ये स्क्रू। अब कुछ इस तरह से चिपकने के बाद धीरे 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 हम इसे अंदर की ओर लेंगे, बाहर की ओर से स्पोक को हम खींचते हुए जाएंगे। ये इजीली जो है हमारा सेंटर पॉइंट पे आ जाएगा फ्रेंड। देख सकते हैं कि एकदम आराम से अंदर चला गया, एक पॉइंट पे आके ये रुक गया है फ्रेंड। अब यहाँ से जो है कि हम अपने स्क्रू को गोल गोल क्लॉकवाइज हम इसे घुमाएंगे और इसे टाइट कर लेंगे फ्रेंड। ये बहुत ही आसान ट्रिक है फ्रेंड कि आप अपने इस टाइप के मोटर को जो है कि आसानी से सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारा जो है स्क्रू वो अच्छे से अंदर चला गया फ्रेंड, टाइट भी हो गया। देख सकते हैं हमारा जो स्पोक है वो बाहर की ओर निकल चुका है। अब इजीली हमारा जो है स्क्रू है वो बैठ चुका है फ्रेंड। वेल गाइज, तो अब जो है कि मैंने दोनों साइड इसी तरह से कर लिया है। अब बारी आती है टेस्टिंग की फ्रेंड, तो हम इस यहाँ पे इस मोटर में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देंगे। सप्लाई देने से पहले फ्रेंड इसके साफ्ट में हम थोड़ा सा टेप को जो है इंसुलेशन टेप को कुछ इस तरह से लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि हमारा जो मोटर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये 24 वोल्ट एडेप्टर है फ्रेंड, इसी से हम पावर सप्लाई अपने मोटर में देंगे। तो हम फटाफट यहाँ पर सप्लाई देते हैं। यहाँ पर हम पॉजिटिव निगेटिव कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड। अब देखेंगे हमारा मोटर जो है वो चल रहा है कि नहीं। अब देख सकते हैं फ्रेंड हमारा जो मोटर है वो परफेक्टली काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो इसका हम पावर जनरेशन टेस्ट करेंगे फ्रेंड कि ये कितना पावर जनरेट जो है वो कर सकता है। इसी आधार पे इसका हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो वेल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइज, बाय बाय। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय।